किसी ने अच्छा कहा, किसी ने कहा कि नहीं समय ठीक नहीं था, किसी ने कहा कि हमें पता ही नहीं लगा अचानक कैसे हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी है, अगर कहीं और कोई पार्टी होती हो खिचम खाच में महीना दो महीने इसी बात में लड़ाई रहती कि इसको हटाओ, इसके खिलाफ कोई ना कोई कोई उसका खिलाफ कोई ना कोई टिप्पणी करो, उसके खिलाफ कोई भी उसको जिसको कहना चाहिए बदनाम करो और उसके बाद उसको वहां से धक्का मारो। फिर लड़ाई के लिए नए लोग, वो कहेगा मैं आता हूं, वो कहेगा मैं आता हूं, उस लड़ाई में 10 प्रकार के खेमे बनते। हम कांग्रेस में देखते ही तो हैं कितने खेमे बने हुए हैं, हरियाणा में तो बने ही बने हुए, देश में भी बने हुए हैं। वो नेता को ढूंढने लगते हैं तो उनको लगता है मेरे परिवार का जो सदस्य है वही जाकर के सबसे बड़ा बढ़िया नेता है, क्योंकि परिवार का सदस्य है। और खाली सदस्य तक नहीं, उस समय पहले पुत्र मोह में फंस करके कि मेरा बेटा है यही सबसे बड़ा, यही उसकी विशेषता है। यहां चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे मनोहर लाल हो, और चाहे हमारे नए मुक्ति नायब सिंह सैनी जी हो मुख्यमंत्री, एक सामान्य परिवार से निकल करके इतिहास उठा करके देख लो। मुझे मौका मिला है हमारे नायब सिंह जी सैनी उनके घर जाने का, इनके माता पिताजी से मिलने का, इनके भाइयों से मिलने का, और मैं तो वहां देखता हूं खेत के अंदर, जैसे गांव के अंदर सुबह सुबह लोटा लेकर के बाहर घूमने जाते हैं, वो छोटा गांव मिर्जापुर का एक ढाणी नारायणगढ़ अंबाला जिले की, खेतों में ढाणी है, पिताजी सेना में थे, खेती का काम परिवार के बाकी लोग करते थे, सामान्य पढ़ाई करके पार्टी की सेवा में 1995 में आ गए थे, और पार्टी की सेवा करते करते लगातार विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, प्रदेश के अध्यक्ष बने, और अब प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए हैं। तो मैं आज आप सब की ओर से मैं अभिनंदन करता हूं अपने मुख्यमंत्री का, मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, और एक आशा भी करता हूं, अपेक्षा भी करता हूं कि जनता की 9.5 साल तक मैंने सेवा की है, बहुत नए नए काम किए हैं जो हमारे विपक्षी लोगों को तो समझ में नहीं आए कि क्या कर रहे हैं, हर बात की आलोचना उन्होंने की है। पहले तो उन्होंने कहा कि इसका तो अनुभव ही नहीं है, सरकार कैसे चलाएंगे, 3 महीने बाद ही सरकार गिराने की मंसूबे पाल करके रोज एक एक दिन गिनते थे। हमने कहा हमारा अनुभव वो तो नहीं है जो उनका था, ये लूट खसोट का, सत्ता को भोगने का अनुभव जो उनका था वो हमारा नहीं है, लेकिन जनता की सेवा करने का अनुभव मेरा उस समय भी 40 साल का अनुभव था मेरा उस समय। भाइयों बहनों, जनता की सेवा की है, नए नए कार्यक्रम प्रयोग किए हैं, विपक्षी लोगों ने उनकी आलोचना की, और मैंने एक बात एक अपील भी की उन विपक्षी लोगों से कि जो आप आलोचना आज कर रहे हैं, चाहे वो पोर्टल की कर रहे हैं, चाहे परिवार पहचान पत्र की कर रहे हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी आईडी की कर रहे हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा की कर रहे हैं, मेरा पानी मेरी विरासत की कर रहे हैं, कितनी स्कीमें, हम आएंगे तो खत्म कर देंगे। मैंने कहा देखिए मैं अपील करता हूं इस बात को आप जारी रखना, चुनाव तक जारी रखना कि हम खत्म कर देंगे, और इनका लाभ जिस जनता को हुआ है, जब जनता को लगेगा कि जिस पोर्टल का जिस ऑनलाइन सिस्टम का हमको लाभ मिला उसको कांग्रेस आके खत्म कर देगी, तो निश्चित रूप से जनता उस कांग्रेस को खत्म कर देगी जिस लाभ के लिए वंचित करेगी। और उसके बाद थोड़ा सा संभल गए हैं, अब वो खत्म करने की बातें कम करने लगे हैं धीरे धीरे, अब मतलब हिम्मत ही नहीं करते, और अभी भी उनको ये नहीं पता लगा, कभी देखते ही नहीं है। हम कहते हैं हमारे पोर्टल को एक बार खोल के देख तो लो कि क्या है उसमें, बहुत चीजें तो हमने प्रचार भी नहीं की। अब हमने एक दयालु स्कीम चलाई, उस दयालु स्कीम में भाइयों बहनों जिस गरीब परिवार के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, चाहे छोटी आयु में हो,
कमाने वाली आयु में हो 60 साल तक उनके परिवार को हम सहायता देते हैं, ताकि कोई रोजगार करने वाला घर से बाहर चला गया उसको 5 लाख रुपए की सहायता तुरंत देते हैं, और इसके ऊपर कम से कम 400 करोड़ रुपए हम दे चुके हैं। मुझे खुशी कि आते ही पहला बटन हमारे नए मुख्यमंत्री जी ने, 2200 परिवारों को, उनके परिवारजन चले गए थे, 2200 परिवारों को बटन दबा करके 108 करोड़ रुपए का जो पुण्य का काम, सबसे पहला काम यही किया मुख्यमंत्री जी। मैं अपील करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि इन चीजों को रुकने मत देना, इन चीजों को आगे बढ़ाने में पूरी ब्यूरोक्रेसी सहयोग करेगी। जिस ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहा जाता था कि ये तो मेरी पकड़ में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उस ब्यूरोक्रेसी ने दिन रात काम करके चीजों को बहुत आगे बढ़ाया, व्यवस्था परिवर्तन के बहुत काम किए हैं। हाँ, इक्का दुक्का जो नटखट था उसके खिलाफ अपने कार्रवाई भी की है, उसको डिसमिस भी किया है, उसके खिलाफ रूल 7 की चार्जशीट भी की है, लेकिन सब अफसर या सब ब्यूरोक्रेसी खराब नहीं होती, अच्छे लोग भी हैं, वो सहायता करेंगे। और इसमें कहीं भी मनोहर लाल आगे कुछ भी रहे, हरियाणा की जनता की सेवा करने के लिए कोई काम जो अभी तक चलाया है या आगे नए काम करने, उसमें दिन रात 24 घंटे मैं अपने छोटे भाई हमारे मुख्यमंत्री के सहयोग के लिए खड़ा हूं, और ये पूरी हरियाणा की जनता, ये मेरी आराध्य है, इस मिट्टी में जन्म लिया है मैंने। 2,82,06,995, आप कहेंगे ये संख्या क्या है, ये आज की आबादी है। हर दिन आबादी का हमको पता लग जाता है उस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिसकी वो आलोचना करते हैं, हर दिन उसमें आंकड़ा बदल जाता है, नए लोग उसमें एंट्री होते हैं, जो उसमें से भगवान को प्यारे हो गए उसमें बाहर हो जाते हैं, नए जन्म लेने वाले बच्चे का भी हर दिन एंट्री हो जाती है। कोई जमाना था जब 10 साल के बाद सेंसस होता था, अंदाजे लगा के पॉपुलेशन गिनी जाती थी, और अब तो वो 2011 के बाद अभी तक 2024 आ गया गिनी ही नहीं गई, कोविड आ गया, फिर कुछ और आ गया, हमने हरियाणा को इस लेवल पर खड़ा किया। आज हमारे दूसरे जो प्रदेश हैं वो इस बात की नकल करने लग गए कि हरियाणा के प्रोग्रामों को हम लागू कैसे करें। आज मुझे उन उपलब्धियों को गिनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो आज एक और जो अगली बात कहने वाला हूं कि जब मैंने मुख्यमंत्री के नाते अपने आंखों के सामने एक नए उत्तराधिकारी के रूप में देख लिया कि नए मुख्यमंत्री में आ गए, खुशी का एक कारण, और उसके बाद विधानसभा में ही मैंने करनाल विधानसभा से त्याग पत्र भी दिया। वो इसलिए दिया कि करनाल को सब लोगों ने कहा कि सीएम सिटी है, कहीं उनके लोगों को वहां कष्ट ना हो जाए कि अब सीएम सिटी कैसे कहलाएंगे, तो तुरंत विधानसभा से मैंने करनाल से त्याग पत्र दिया और हाई कमांड को कहा है कि मुख्यमंत्री बने हैं, इनको वहां से विधायक बना करके पुनः करनाल सीएम सिटी कहलाए। ये करनाल सीएम सिटी का जो सपना वहां के लोगों का है, और मेरे ऊपर जो ऋण है उस ऋण को भी उतारने की मैंने कोशिश की है। और जब प्रधानमंत्री जी ने कहा, बल्कि मैंने ही उनको कहा कि मैं मुख्यमंत्री भी नहीं हूं, मैं विधायक भी नहीं हूं, लेकिन मुख्यमंत्री कभी जब से सामाजिक काम करने लगा हूं तब से खाली नहीं बैठा हूं, एक दिन खाली नहीं बैठा हूं, एक भी दिन खाली नहीं रहा। जब प्रधानमंत्री जी को पता लगा कि इसने तो आज ही त्याग पत्र दे दिया, मैं आभारी हूं अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड का और प्रधानमंत्री जी का कि उसी 12 तारीख को शाम को एक लिस्ट छपती है लोकसभा के कैंडिडेट्स की, और उसमें मनोहर लाल करनाल लोकसभा से कैंडिडेट होंगे। उसी दिन मैंने प्रधानमंत्री जी से एक बात कही, मैं कहा इस दायित्व को स्वीकार करने के लिए मेरी एक शर्त है, मैं कभी शर्तें लगाता नहीं हूं, लेकिन किसी अच्छे के लिए शर्त लगानी पड़े तो लगा देनी चाहिए। कहने लगे क्या शर्त है, मैंने कहा शर्त यह है कि करनाल लोकसभा का चुनाव मैं तभी लड़ सकता हूं जब हमारे वर्तमान सांसद मेरे छोटे भाई संजय भाटिया इसके लिए तैयार होंगे, तभी मैं जाकर के और चुनाव लड़ूंगा। और मैं आभारी हूं अपने सांसद संजय भाटिया जी का, इतनी बड़ी जीत, देश भर में दूसरी हमारी यह जीत थी, पहली जीत जो सबसे बड़े मार्जिन की गुजरात में एक सीट से थी, और देश भर में दूसरी बड़ी जीत हमें अगर आप लोगों ने दिलाई थी तो संजय भाटिया जी को शायद 6 लाख से ऊपर के मार्जिन से, कितना था, 6.5 लाख के मार्जिन से, और आपने सांसद बनाया था।
अब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को भी मुझे चिंता करनी है कि उनका भी दिल न टूटे, तो उनके प्रतिनिधि संजय भाटिया जी को तैयार करना। मैं आभारी हूं संजय भाटिया जी का, इन्होंने एक क्षण नहीं लगाया, इन्होंने कहा कि हां अगर आपको यह चुनाव लड़ना है, वैसे तो अगर नहीं लगाते, ये कहते हैं कि मुझे कभी भी किसी इच्छा नहीं होती चुनाव लड़ने की, मुझे कोई काम मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में एक पंक्ति में बताता हूं कैसा होता है मानस भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसके बारे में चार शब्द कहे जाते हैं, पीर बवर्ची भिष्ती खर, पीर बवर्ची भिष्ती खर। पीर का अर्थ होता है कि बड़े से बड़ा काम मिल जाए, पीर पैगंबर जैसे कहते हैं, अगर पूजा करने के स्थान पर भी हमको बैठा दिया जाए, लोग पूजा करें, वो भूमिका भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निभाता है, बिना किसी लाग लपेट के निभाता है। अगर समाज के हित में ये है तो मेरा जो करना कर लो। और बावर्ची कहते हैं खाना बनाने वाले को, भिष्ती कहते हैं पानी पिलाने वाले को, कि अगर ऐसा भी सामान्य काम जिम्मे लगेगा सार्ष उसको स्वीकार करेंगे। और चौथा शब्द होता है उसको कहते हैं खर, खर का शाब्दिक अर्थ होता है गधा। अब गधा तो भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है, गधा तो नहीं बनते, लेकिन गधे का काम होता है बोझा ढोना। अगर मुझे बोझा ढोने का काम भी दे दिया जाएगा तो अपनी पीठ पर बोझा ढो करके भी काम करके और इस देश की समाज की सेवा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। तो मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के बारे में देश और दुनिया यानी उसके ऊपर तो मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए और वर्तमान सांसद करनाल से संजय भाटिया की तारीफ करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। करनाल में मौजूद हैं, बड़ा कार्यक्रम रखा गया है क्योंकि चुनाव प्रचार का शंखनाद, चुनाव प्रचार का आगाज जो है पार्टी ने करनाल से किया है और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संबोधन यहां पर आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि जो एक बड़ा बदलाव हमने हरियाणा में किया है वो जनता के हित को ध्यान में रखते हुए किया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह से वो करनाल सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए। उन्होंने कहा कि मैंने एक शर्त रखी, मुख्यमंत्री ने कहा यूं तो मैं शर्तें नहीं रखता लेकिन मैंने ये शर्त पीएम के आगे भी रखी कि अगर वर्तमान सांसद संजय भाटिया तैयार होते हैं तभी मैं करनाल सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। तो संजय भाटिया का भी धन्यवाद करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर नजर आए। देखिए, चुनाव प्रचार का शंखनाद पार्टी ने यहां से कर दिया है और जनता को संबोधित पूर्व मुख्यमंत्री कर रहे थे जब उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। पार्टी को गंगा मैया में डाल दो। व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ कि मैं तो इनको देने आया था और उनका गंगा मैया में डाल दो। चल पड़ा जाकर के गंगा किनारे बैठ के पोटली खोली और खोल करके एक एक जो हीरा मोती उसमें थे एक निकालता फिर उसको डाल देता गंगा मैया, दूसरा निकालता वो गंगा मैया में डाल देता, तीसरा निकालता वो गंगा मैया में डाल देता। ज्यादा थे, घंटों लग गए। अब ये जो संत सन्यासी करने गए कि अभी उस आदमी को जो मुझे दान देने आया था उसको मैंने कहा था गंगा मैया डाल के मेरे पास वापस आना, वो इतनी देर से आया नहीं, कहीं मन में बेईमाना तो नहीं आ गया। तो संत सन्यासी गंगा किनारे चले गए, जाके देखा तो खोल के पोटरी बैठे हैं, एक ही चीज निकालते हैं और डालते हैं, एक ही चीज निकालते हैं डालते हैं। तो साधु ने कहा कि बेटा ये क्या कर रहे हो? उनका महाराज इतने सारे ये सिक्के हैं, हीरा मोती जो भी कुछ है जवाहरात हैं, इनको मैं डाल तो रहा हूं लेकिन मैं देखूं तो सही है कितने, एक एक करके डाल रहा हूं, गिन रहा हूं, देखता हूं कितने हैं ये, मैं तो बिना गिने आपको लेके गया था। अब उस समय सन्यासी कहते हैं क्यों गिन रहे हो, क्यों गिन रहे हो, ये तुम्हारे थोड़े ही हैं, ये तो मेरे थे, मैंने डलवाए थे, तो एक साथ डाल के खत्म करते, इसका मतलब यह है तुम एक एक करके डाल रहे हो, गिन रहे हो, तुम्हारा मन मोह इसमें से निकला नहीं है, अभी भी तुम मुझे देने आयो तो झूठे मन से देने आयो, सच्चे मन से नहीं देने आयो।
अगर सच्चे मन से देने आते तो ये संपत्ति मेरी हो गई थी, तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे जितना ही काम लगाया था इसको उठा के एक साथ डाल दो। तो मेरे मित्रों भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब भी कभी समर्पण की भाव आती है वो सारा उठा के एक साथ झटक देता है, ये लो। एक संत है, फकीर है, जो फिकर को खा गया वो फकीर हो गया, ये बात ध्यान रखना मित्रों। हमें कोई फिकर नहीं है, चिंता नहीं है, फिकर है तो एक ही है, इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता, मेरा ये परिवार, ये हमारा जो मोदी परिवार है, ये मोदी परिवार कैसे सुखी बने, कैसे आगे बढ़े, इसके लिए फिर चाहे हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी हो, चाहे हमारे सांसद श्री संजय भाटिया जी हो, आपका ये मनोहर लाल हो, और अपने परिवार के मुखिया चाहे नरेंद्र मोदी हो, किसी चीज से लगाव नहीं है हमारे किसी भी कार्यकर्ता को, किसी नेता को कोई लगाव नहीं है। अगर लगाव है तो एक ही है, मेरा परिवार, मेरे परिवार के सदस्य, ये सब अच्छी प्रकार से आगे बढ़े, उसके लिए जो जिम्मेवारी दायित्व मिलेगा उसको बखूबी निभाएंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मुझे एक जिम्मेवारी दी है, एक दायित्व दिया है, क्या मुझे करनाल लोकसभा के लोगों की सेवा करनी है। विधानसभा में मुख्यमंत्री के नाते एक रोल होता है, वो मैंने किया है, अच्छा किया, माड़ा किया, बुरा किया, वो आप जानते हैं। कभी इस काम को करते हुए कभी कभी परिवार के अंदर बैठते थोड़ी ऊंच नीच भी हो जाती है, कोई शब्द ऐसा निकल गया हो जिसके कारण से किसी को तकलीफ हो गई हो, तो मैं आज इस मंच से निवेदन करता हूं उस तकलीफ भरे शब्द को निकाल के फेंक देना, जो अच्छी बात है उसको आप अपने पास रख लेना, इसी में से आपका मेरा सबका भला है। और अब आगे से लोकसभा करनाल के नाते, क्योंकि निश्चित रूप से मेंबर पार्लियामेंट आप मुझे बनाएंगे, मेरा विश्वास है, मार्जिन कितना होगा कितना नहीं होगा ये संजय जी का प्रयास रहेगा। संजय जी ने एक बात कही, संजय भाटिया जी ने, कि आपने आकर के केवल फार्म भरना है, साइन तो मुझे करना ही पड़ेंगे, इसके बाद आने की आवश्यकता नहीं है, केवल रिजल्ट के दिन आ जाना है। तो मित्रों भाइयों बहनों, मैं आपकी सेवा आगे आने वाले समय में लोकसभा के माध्यम से जितनी ज्यादा से ज्यादा हो पाएगी उतनी आपकी मैं सेवा करूंगा। आज इस अवसर पर पुनः श्री नायब सिंह जी सैनी, जिनको सफल करने में आप लोगों की भूमिका, उसको आप जरूर निभाइए, और नायब सिंह जी सैनी आपकी सेवा उसी प्रकार से लगातार करते रहें। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। परिवर्तन होते रहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा। पूर्व सीएम मनोहर लाल को आप सुन रहे थे, कांग्रेस पर भी निशाना इस दौरान उन्होंने साधा, कई खेमों में बटी हुई है कांग्रेस। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, पूर्व सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी की तारीफ भी की। इसके साथ ही पूर्व सीएम ने और क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा, हमने जनता की सेवा की है, समर्पण भाव से भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता जो है वो काम करता है। सरकार ने दयालु योजना चलाई, जिसका जिक्र मनोहर लाल ने किया। जनता की मैंने 9.5 साल सेवा की, पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा। मैं एक भी दिन खाली नहीं रहा, उन्होंने कहा, मैं एक भी दिन खाली नहीं रहा, मुझे जनता की सेवा करने का अनुभव है, मैं आगे भी जनता की सेवा करता रहूंगा। तमाम बातें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कही हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो कई खेमों में बटी हुई है। कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस कई खेमों में बटी हुई है। इसके साथ ही क्योंकि लोकसभा चुनाव से क्योंकि करनाल से लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को उतारा गया है, तो इस दौरान मनोहर लाल ने यह भी कहा कि मैंने इसके लिए एक शर्त रखी थी, पार्टी से शर्त रखी थी, पीएम मोदी से शर्त रखी थी, कि अगर वर्तमान सांसद संजय भाटिया इसके लिए खुशी खुशी इस बात को स्वीकार करते हैं, तैयार होते हैं, तभी मैं करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। और संजय भाटिया क्योंकि बेहद खुश थे, वो तैयार थे इस चीज के लिए, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने संजय भाटिया की तारीफ की, साथ ही वर्तमान मुख्यमंत्री हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भी तारीफ करते नजर आए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो समर्पण का भाव रखती है,
जनता की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहती है पार्टी। हम अभी भी जनता के लिए काम करते हैं, आगे भी जनता के लिए ही काम करते रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। बीजेपी की तरफ से करनाल में कार्यक्रम रखा गया है और चुनावी शंखनाद के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जहां पर पूर्व सीएम मनोहर लाल ने ये तमाम बातें कही। बीजेपी का कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को निभाता है और सदैव जनता के लिए समर्पण भाव से काम करता रहता है, जनता के लिए काम करता है बीजेपी का हर कार्यकर्ता, हर नेता। ये तमाम बातें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है और चुनाव का शंखनाद करनाल से उन्होंने कर दिया है। देखिए, करनाल सीट अपने आप में खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि उपचुनाव भी होना है करनाल में और लोकसभा चुनाव भी होने हैं। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारा है और वहीं विधानसभा, करनाल विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद नायब सैनी यहां से उपचुनाव जो है वो लड़ेंगे। चलिए, अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं।